आप ना वो प्लेट ले आओ जो चमचे भी दिए हैं प्लेन राइस है इसका ना ढक्कन दे दो ताकि ये गर्म ही रहे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं खैरियत से यहाँ पे जो है ना आज मशीन लगनी थी तो उसी की तैयारी हो रही है कपड़े शपड़े जो है ना वो ऊपर देने लगे हैं धोने के लिए तो सोफों के जो कुशन है ना वो बहुत ज़्यादा मैले हो रखे थे तो मैंने सोचा आज इसको ना हाथ से ना भिगो के तो धोते हैं तो मैं ऊपर आई हूँ और कपड़े जो है मशीन भी लगा ली थी और आज जो है वो एक कंबल हमारा धोने वाला रह गया था सिंगल कंबल तो वो भी जो है ना मशीन में डाला हुआ है धुलने के लिए और छत भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी इतनी मैली हुई हुई थी मैंने कहा चलो छत मैं ना मैं धो देती हूँ और कपड़े जो है ना वो धो लेगी नोरीन ना तो क्या कहते हैं बस यहाँ पे देखिए मैं ना असल में पाइप ना इतना लंबा नहीं है कि आगे तक जाए ना तो टब के साथ धोना पड़ता है गिरा गिरा के तो बस फिर वो छत वगैरह धोई कपड़े धो के फिर नीचे आए हम लोग और यहाँ मैंने ना सब्ज़ी मंगवाई हुई थी आज मैंने इनको कहा था आज मैंने वैसे खुद लेके आनी थी सब्जी लेकिन फिर मुझे ना टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ना मंगवा लूँगी फिर कौन जाए बार बार बाहर ना तो बस फिर मैंने इनसे सब्ज़ी मंगवा ली सारी सब्जी आलू प्याज टमाटर धनिया पालक भी मंगवाई आज मेथी मंगाई है और क्या कहते हैं मैंने ना पालक सोच रही थी कि बनाऊँगी तो ये होटल की जो है ना थोड़ी सी पालक दाल ये भी लेके आए हैं तंदूर की रोटी है साथ में तो ये जो है ना बड़ी मज़े की यहाँ से मिलती है तो बस खाना शाना खा के ना तो बच्चों को भी खाना खिला के उसके बाद बैठ के जो है ना वो मैंने सब्जी बनानी है इधर राफे के लिए आलू का पराठा बन रहा है ये देखो जी राफा आज आप कल आज कल आप बहुत पराठे खा रही हो आलू वाले क्या बात बार है आलू जो थे वो मैंने कहा टोकरी में डाल के ना तो इसको रख देते हैं तो बाकी सब्ज़ी जो काटने वाली है उसको काट लेते हैं और जो रखने वाली है वो ऐसे रख लेंगे तो पालक जो है यहाँ पे मैंने कहा चलो बना के रख लूँ कि शॉपर में पड़ी ये ना हो कि ख़राब ही ना हो जाए कहीं तो बस यहाँ हमने यहाँ लाउंज में ही ना नीचे कपड़ा से बिछा लिया ताकि आराम से सुकून से बैठ के ना हम बना लेंगे और थकेंगे भी नहीं ना ऐसे किचन में मैंने कहा इतनी देर खड़ा भी नहीं हो जाता तो सारी सब्ज़ी मैंने ला के ना यहाँ रख है इकट्ठी मैंने कहा आराम आराम से बैठ के बनाते रहेंगे साथ में राफे भी मेरी हेल्प कराएगी थोड़ी सी थ्री को होगी तीन सेकेंड वन स्टार्ट どう अच्छा जी अभी जो है पालक मैं धोने लगी थी तो धो के ना मैंने कहा इसको फिर उबालने के लिए ना रख देते हैं तो पालक जो है वो मैंने धो ली है कुछ चार पांच दफ़ा अच्छी तरह बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें से निकलती है तो ये जो है अब मैंने उसको ना बॉयल होने के लिए ऊपर चढ़ा दिए थोड़ा सा पानी डाला था बस उसके अंदर और ये देखिए पहले कितनी ज़्यादा थी और अब देखिए कितनी कम हो गई है अच्छा पालक जो है वो मैंने बस एक दफ़ा चलाया था इसको ज़्यादा चलाना नहीं है वरना बहुत ही ज़्यादा ना वो पानी पानी सा हो जाता है ना तो बस ये देखिए थोड़ा सा खड़ा खड़ा भी हो बीच में तो बस इसको मैंने निकाल के रख दिया अब मैं लहसन अदरक जो मैंने छील के रखा हुआ है ना तो मैंने कहा उसको भी चॉपर में डाल के तो उसका पेस्ट बना लेते हैं तो वो भी बड़ा ना आसान हो जाता है थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाला मैंने और स्मूथ सा जो है ना इसका पेस्ट बन गया तो ये है कि पीस के रख लेती हूँ ना तो मेरा तीन चार हफ्ते जो है ना वो आराम से निकल जाते हैं पहले भी जो मैंने पीसा था तकरीबन आ, महीना तो मेरा निकल ही गया था उससे ना तो ये बड़ी सहूलत रहती है तो बस इसको एक ग्लास कंटेनर में आप रख लें अगर बहुत ज़्यादा बन जाए ना तो वो उसमें भी आप क्या कहते हैं आइस क्यूब वाली ट्रे है उसके अंदर डाल के आप फ्रीज़ कर दें तो एक क्यूब निकाल के आराम से जो है ना एक दफ़ा आप खाने में ना डाल लें तो वो भी बहुत ना ईज़ी और कन्वीनियंट रहता है तो ये मेरा खैर इतना ज़्यादा तो नहीं बना था लेकिन जितना था ये मेरा जो है ना गुजारा हो जाएगा क्योंकि छोटी फैमिली के लिए तो ठीक रहता है अगर आप ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा बनाना है तो वो अपने हिसाब से फिर लेकिन ये कि थोड़ा सा ऑयल डालो ना तो इससे फिर ख़राब भी नहीं होता तो ये देखिए मैंने इसको बना के रख है इसको फ्रिज में रख दूँगी और बाकी जो चीज़ें समेटनी है ना अब मैंने वो समेट लूँ यहाँ पर तो ये मेरी धनिया जो है काफ़ी ज़्यादा आज मैंने मंगवाया था तकरीबन एक पूरी गट्ठी थी तो आधा जो है ना आधे का मैं ग्रीन चटनी बना के रखूँगी और आधा जो है ना मैं ऐसे ही रख दूँगी नीचे नीचे टिशू लगा के ना तो डब्बे में डाल के रख दूँगी ये भी काट के र, जो है ना ये बड़ी ईजी हो जाएगा तो ये फ्रिज में रख दूँगी जब जैसे चाहिए होता है खाना वगैरह में डालने के लिए तो ये निकाल लिया आराम से और वॉश करके ना तो फिर आप इसको जो है वो डाल लें और इसी तरह ही जो ये मेथी है मेथी भी जो है मैंने काट ली थी लेकिन इसको जो है मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि अगर इसको धोया तो ये तो ख़राब हो जाएगी तो ये देखें वो डब्बा जो है थोड़ा सा छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने जो है बड़े डब्बे में डाल के तो आराम से जो है ना ये मैं बना लूँगी गोभी के साथ जो है ना मैं इसकी बनाऊँगी मज़े की लगती है <coughs> तो अब जो है आ, ग्रीन चिलीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी आ गई हैं और वो भी मैंने इसी तरह रखना है और गोभी जो थी वो भी काट के रख ली है तो मैंने कहा ये भी डब्बे में डाल देती हूँ तो सुबह जो है ना ये दोपहर में यह मैं बना लूँगी तो ये बड़ी ना सहूलत हो जाती है अगर आप इकट्ठी सब्ज़ी मंगवा रहे हैं ना तो इसको एक दफ़ा काट के सारी चीज़ें रख लें तो कोई इतना टाइम भी नहीं लगता थोड़ा सा बस आपको करना पड़ता है और ये है कि पूरा हफ़्ता फिर आपका सुकून से जो है ना निकल जाता है इसी तरह ये हरी मिर्चें थी ये भी मैंने जो है डब्बे में डाल दी हैं और ये और ग्रीन चटनी का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है और अगर आप कुछ लोग जो है ना वो शिकायत करते हैं कि हमारी ग्रीन चटनी जो है वो ब्लैक हो जाती है बाद में तो ये सिर्फ आप धनिए हरा धनिए की अगर आप बनाएं ना चटनी तो कभी भी काली नहीं होती और इसको फ्रीज़र में रख दें ऐसे और अगर आप पुदीने के साथ बनाते हैं ना तो फिर उसका रंग जो है ना वो काला पड़ जाता है अगर पुदीने वाली अगर आपने बनानी है तो फिर वो ये है कि ताज़ा ताज़ा अगर आप बनाएं और ताज़ा ताज़ा इस्तेमाल कर लें ये अभी जो है ना इसको धो के रखा तो अभी जो है फ्रिज की जो है मैंने साफ किया है जो चीजें एक्स्ट्रा थी वो सारी निकाल दी हैं और यहाँ पे देखिए सेट करके रखा है अच्छा अभी लीमू जो है ना ये मैंने एक देखी थी इंटरनेट पे कि अगर आप इसको पानी में डाल के रखें ना तो ये लंबे टाइम के लिए ना फ्रेश रहते हैं तो यहाँ एक किसी ग्लास कंटेनर में आप इसको डालें ऊपर से पानी डाल दें और बस बंद करके इसको रख दें तो ये ना काफ़ी दिनों तक ना जूसी और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं ना तो कई दफ़ा ऐसे होता है ना हम लीमू लेके आते हैं तो वो पड़े पड़े ऐसे वो सूख जाते हैं ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह करने से जो है ना कहते हैं फ्रेश रहते हैं तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देती हूँ <laughs> तो यहाँ पर देखिए फ्रिज मैंने अपना सारा साफ़ करके चीज़ें जो हैं वो सेट करके रखती हैं और ये काम हमारा ना ख़त्म हो गया

चलो चलो इसके ऊपर तो अभी जो है बस नाश्ता वगैरह कर रहे हैं आज जो है नाश्ता बाहर से आया है तो बच्चे जो है वो शौक से खाते हैं हलवा पूड़ी का नाश्ता ना तो इसलिए साथ में हलवा है और सलाद इन्होंने दिया है साथ चने जो है ना इनके बड़े मज़े के लगते हैं बड़ी अच्छी बनी हुई थी पूड़ियाँ ना तो बड़ी फ्रेश थी और बड़ी मज़े की थी तो बस नाश्ता वगैरह करके जो है मैंने अभी कपड़े सारे समेटने हैं यहाँ पर बेड जो है वो मैं सेट करूँगी तो अब देखिए कंबल निकल आए हैं ठंड इतनी हो गई है कि जो है ना कंबल में भी बल्कि थोड़ी थोड़ी ना सर्दी लगती है तो यहाँ सेट करूँगी और अभी कपड़े जो है वो मैंने ऊपर से उतार के लाने हैं और जो कल के धूल्ले में हैं, वो सारे ड्राई हो गए और कंबल जो है वो तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ड्राई होने में तो क्योंकि धूप भी नहीं ना आजकल असल में निकल रही है तो इसलिए जो है ना उसको दो तीन दिन तो लगेंगे और ये है कि वो मशीन में तो मशीन में भी जो है ना वो भारी होता है तो इसलिए मशीन में भी जो है ना ड्राई नहीं होता तो अभी ये जो है ना छोटे कपड़े जो है यहाँ टेरस हुई हम खड़े कर देते हैं तो यहाँ ये जैनी के जितने कपड़े थे ना छोटे छोटे से सारे ड्राई हो गए तो मैंने कहा मैं यहाँ से उतार लेती हूँ इनको फोल्ड करके ना रख देती हूँ ये भी साथ साथ मेरी हेल्प करवा रही है तो छोटे छोटे कपड़े तो यहाँ चेयर पर और इधर इधर ही आ जाते हैं पूरे हमारे ना तो बस अभी सारे कपड़े जो है ना मैं इनको तय करके तो मैं रख दूँगी आज जो है ना मैंने सर्दियों के कपड़े भी शॉपर निकाल के रखे हुए हैं और उनको भी सेट करना है तो रश जो है ना कपड़ों का भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और ये कुछ कपड़े जो हैं अब तो लॉन वाले तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाएंगे अब मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि सर्दी थोड़ी सी और हो जाए ज़्यादा तो फिर जो है ना इकट्ठे रखेंगे तो खैर बच्चों के तो कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और अपने भी मैंने एक शॉपर निकाल के रखा है जो हल्के हल्के कपड़े हैं ना जो अभी पहने जाएंगे वो तो कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे थोड़े से ही हैं जो समेटने हैं और कुछ इसके कपड़े जो है ना सारे मैंने इकट्ठे करके जो है वो रखे हैं शॉपर में डाल दूँगी और उसको रख दूँगी और दूसरे कपड़े ताकि जगह बन जाए ना सर्दियों के कपड़ों की तो ये छोटे छोटे जो है ना कपड़े ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना इनका बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो बस यही मैं सारे ना अलग अलग कर रही थी कि कौन से रखने हैं और कौन तो दराज़ में जो है ना ये सारा रश लगा हुआ है कपड़ों का इसका तो मैंने कहा ये भी सारा खाली करते हैं इसको और जो कपड़े निकालने वाले हैं वो सारे एलैर निकाल लेती हूँ और जो रखने वाले हैं वो बस रख लेंगे तो यहाँ ढेर जो है ना सारा गर्मियों के कपड़ों का लगा हुआ है तो जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं ना अभी बहुत मोटे कपड़े तो नहीं मैंने अभी निकाले हैं तो जो अभी डेली पहनने वाले हैं अभी जैनी के वो मैंने जो है ना दराज़ में उसके जो सेट करके यहाँ पे रख हैं तो जो डेली आराम से जो निकाल के और आप जो है ना पहन लें तो ज़्यादा इक्ठे भी जो है ना नहीं मैं रखूँगी वो बहुत ज़्यादा ना फिर रश हो जाता है तो अभी हो रहा है जी लंच का टाइम और यहाँ पे जो है मैं बस खाना बनाने लगी हूँ तो बस मैंने गोभी निकाल ली थी और साथ में मेथी भी निकाल के रखी है मैंने तो मैंने कहा वही झटपट जो है ना बना लेते हैं तो ये है कि दोपहर में जरा भूख अच्छी लगी होती है ना तो दोपहर में ऐसी चीज़ें खाने का ना मज़ा भी ज़रा ज़्यादा आता है तो यहाँ मैंने एक प्याज चॉप करके ना रख दिया ऊपर फ्राई होने के लिए साथ में दो टमाटर काट लिए और लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल लिए और मसाले जो हैं वो बेसिक से मसाले जो हैं वो मैंने डाले हैं जिसमें लाल मिर्च है नमक है गर्म मसाला है थोड़ा सा और क्या कहते हैं हरी मिर्चें दो तीन मोटी वाली जो थी वो मैंने काट ली थी वो मैं इसके अंदर डालूंगी अच्छा मोटी वाली हरी मिर्ची जो होती है ना उसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा आता है और जो पतली वाली होती है वो जरा ना कड़वी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसलिए मैं हमेशा मोटी वाली मंगवाती हूँ तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर डाल के मैं इसको कवर करके ना छोड़ दूँगी थोड़ी देर मसाला ताकि अच्छी तरह से जो है ना वो भुन जाए अच्छा मसाला अच्छा भुना हुआ हो ना तो खाना जो है ना वो टेस्टी और अच्छा बनता है तो ये भुनाई इसकी हो गई है बस इसके अंदर मैंने गोभी और आलू जो है इसको धो के तो मैंने डाल दी है साथ ही मेथी जो है ना वो भी मैंने धो ली थी अभी मेथी में से इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है ना बहुत ज़्यादा मैंने कोई पाँच से छः दफ़ा जो है ना वो मेथी को धोया है तो बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर मिट्टी होती है तो ये बस ये देखने में तो बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन जब बनती है तो बिल्कुल ही ना ज़रा सी हो जाती है बहरहाल इन सबको मैंने ना डाल के तो इसको कवर करके मैं इसको छोड़ दूँगी क्योंकि इसके अंदर अपना भी पानी होता है तो ये है कि अपने पानी में ही ना ये पक जाएगी बिल्कुल ना अच्छा जी साथ ही जो है यहाँ पर मैं आटा भी घूम के रख लूँगी नहीं था दोपहर के साथ ही जो, जो है बनाने के लिए आटा बिल्कुल नहीं के थोड़ी देर रेस्ट दे दूँगी ये बस पकने के करीब करीब है थोड़ा सा पानी ना रह गया इसको ड्राई करना है सब्जी हमारी तैयार हो गई है ऊपर से ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं बस खाना छाना खा के यहाँ पे जो है मैंने कुशन के कवर भी धोए थे ना तो ये काफी ड्राई हो गए थे तो मैंने कहा इसको कवर चढ़ा देती हूँ चादरें जो हैं वो भी मैंने सोफों पे चढ़ा दी हैं फुली आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा तो बस इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़